उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते, उसके प्रधान जो है घूस ले लेकर विचार करते हैं, और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं, याजक दाम ले लेकर व्यवस्था बताते हैं, और भविष्यवक्ता रुपए के लिए भावी कहते हैं। हाँ, भविष्यवक्ता रुपए के लिए क्या कहते हैं? भावी कहते हैं। इधर आओ, ये सेक्शन जो है ये मेंबर्स का सेक्शन है, मेंबरशिप लो तब फिर मैं मेंबर्स के लिए प्रोफेसी करता हूँ। दाम ले लेकर क्या किया जाता है? व्यवस्था देते हैं, व्यवस्था बताई जाती। जब निर्गमन 25 का 1-2 पढ़ते हैं तो लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, इसराइलियों से यह कहना मेरे लिए भेंट लाएं, बताओ कलीसिया को कि परमेश्वर के लिए भेंट लाया करें, पर साथ में अगली लाइन भी बताया करें, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना, जो अपनी मर्जी से ले। इसलिए ऑफरिंग बैग कमाना ये भी वचन के अनुसार नहीं है, ये भी गलत है। एक डब्बा लगा हुआ ऐसा ऑफरिंग बॉक्स, उसको कोने में रखो, बोलने की भी जरूरत नहीं है। मीटिंग समाप्त हो चुकी है, यदि कोई भेंट डालना चाहता तो उसमें डाल सकता है, बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। यहोवा आपका इंतजाम करने वाला खुद उधर डालेगा, खुद लोगों के मनों में डालेगा कि वे उधर डालें। बोलते हैं तो कल को लोग आपके सामने खड़े होंगे कि आपने मांगा हमने दिया। उधर जो डालता है अपनी मर्जी से डालता है, वो यहोवा के लिए डालता है। हालेलुया। जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट। आप सब सेवक हैं, ये अपनी कलीसिया में आप लागू करें परमेश्वर के वचन के अनुसार। सबको भेंट लाने को बोला तो जाता है, लेकिन जो अपनी मर्जी अपनी इच्छा से देना चाहता है किसी को नहीं बोला जाता है। सबके ऊपर भारी बोझ डाला जाता है। पास्टर ने अगर घर आना है तो इतनी फीस लगेगी। उस दिन हम उधर चंडीगढ़, अंकल बता रहे थे, कहते जी शमी हंस जो है वो किसी ने घर पे उनको बुलाया, हमारे मित्र हैं, कहते जी 10,000 फीस लगेगी घर विजिट करने के लिए, घर आकर प्रार्थना करने के लिए, ले हैंड कराना है तो 25,000 लगेगा। ये सेवा है? बोलिए क्या ये सेवा है? बोलो यीशु मसीह ने जकाई से कितना लिया, कितने में बेचा उधार उसको? फ्रीली। यीशु मसीह एक फरीसी के घर पे खाना खाने जाता है, कितने पैसे चार्ज किए यीशु मसीह ने? यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर में जाता, कितनी फीस ली उनसे? कितने लोगों को यीशु मसीह ने चंगा किया तो भी अपने चेलों को कहता है एक सिक्का दो, किसी के पास सिक्का ही नहीं है, क्योंकि वो लूटता नहीं। उसको लूटने वाला है एक ग्रुप में, लेकिन वो किसी को लूटता? जितने चमत्कार यीशु मसीह ने किए, कलाम कहता अगर सब लिखे जाते तो बाइबल जो है, पुस्तक जो है, पूरी पृथ्वी में ना समाती। इतने काम करने का अगर वो चार्जेस करता तो क्या होना था यीशु मसीह? इल्यूमिनाटी बन जाना था उसने। वे क्रूस पे थोड़ी ना चढ़ना था, इतना पैसा आ जाता। लेकिन खास उद्देश्य के लिए आया, यही करने के लिए आया था, ऐसा ही जीवन व्यतीत करने के लिए वो आया था। और जब वे हमें कहता है कि तुम भी मेरे जैसा स्वभाव रखो, तो कैसा रखना? निष्कपट, बिना किसी लोभ, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के सेवा करनी है। जिधर पैसा ज्यादा मिलता है उधर नहीं भागना, जो ज्यादा ऑफरिंग देते हैं उनको बोलने में कभी भी चूकना नहीं, उल्टा उनको ज्यादा बोलना। समझ में आया? हालेलुया। सबके ऊपर भारी बोझ डाला जाता है, पास्टर ने अगर घर पर आना है तो इतनी फीस लगेगी, पास्टर ने सर पर हाथ रखना है तो 25,000 राशि लगेगी। ऐसा काम करने वाले सब लोभी और लालची हैं। हमारा परमेश्वर किसी भी बात को किसी के ऊपर थोपता नहीं है, ना किसी को लालच देता है कि तुम मुझे दोगे तभी मैं तुमको दूंगा। ये प्रचार भी क्या है? ये प्रचार भी क्या है कि परमेश्वर के राज्य में दो तो वो तुमको देगा। सही है ये? उसका घर बनाओ तो वो तुम्हारा बनाएगा। क्या ये वचन अनुसार है? बोलो, हम जब यीशु मसीह को नहीं जानते तब कौन देता था हमें? हाँ जी, ये जो अन्य जाति हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते उनको कौन देता? भजन संहिता 104 में लिखा है, सारी पृथ्वी उसी पर निर्भर, शेर दहाड़ता है और परमेश्वर यहोवा से अपने शिकार को मांगता है, जंगलों के जानवरों को भी भोजन देने वाला कौन है? परमेश्वर यहोवा। हम चाहे उसे जानते हैं चाहे नहीं जानते, हम उसकी सृष्टि हैं, सृष्टिकर्ता के तौर पर वो हमारा पालन पोषण करता, वो सबको देता। उसने सूर्य बनाया पापियों के लिए भी और धर्मियों के लिए भी, वो दोनों पर उदय होता। बारिश जब होती है तो क्या सिर्फ धर्मियों की भूमि पर होती है? बोलो, सबके लिए होती है, वो सबका पालन पोषण करता है। फिर ऐसा प्रचार करके परमेश्वर को ऐसा बिजनेसमैन और ऐसा म्यूचुअल फंड जैसा क्यों बताया जाता है कि तुम इन्वेस्ट करो तो वो पलट के तुमको 1,000 देगा? बोलिए क्यों?
ऐसा हम ना करें, परमेश्वर कोई म्यूचुअल फंड नहीं चलाता, तुम 100 दोगे ऐसा बोला जाता है, तुम 100 दोगे तो तुमको 1000 मिलेगा, 1000 दोगे तो 10000 मिलेगा, 10000 दोगे तो 1,00,000 मिलेगा, 1,00,000 दोगे तो 10,00,000 मिलेगा, बोला जाता है, ऐसा प्रचार किया जाता है। फिर अपना बटुआ पास्टर जानबूझ के खोल कर दिखाता है, कहते देखो जी जो बटुए में सबसे बड़ा नोट है वो निकालो, वो पास्टर का वो है जो ऐसे स्टिक से फेंकते ना मछली पकड़ने के लिए, वो उसके आगे वो लगाया होता है, है कुंडी लगाई होती है, वो कीड़ा होता है आगे जिसको देखकर मछली आती है, क्योंकि वो कीड़ा भी वापस आने वाला है और वो मछली भी वापस आने वाली है। समझ में आया, ये लोभ और लालच है। हाँ जी, मैं बता रहा था पास्टरों ने क्या बनाई हुई लिस्ट बनाई हुई है, फलाने विश्वासी को कौन से दिन पर कितनी सैलरी आती है, और पहुंच जाते हैं रजिस्टर लेकर उनके घर पर उसी तरीक को, इधर इधर चलता है ऐसे साथ में ही, ज्यादा दूर भी नहीं, और कहते कि इधर इधर संडे को इधर रखो, क्या क्या लेके आए हो आप, फोन करते हैं कहते फोन आ गया किसी का, हाँ जी बर्थडे पे आना पास्टर जी, अच्छा बर्थडे पे आएंगे तो चाय का भी इंतजाम, हाँ जी चाय का इंतजाम, फिर आप खाना भी करेंगे, हाँ जी खाना भी करेंगे, अच्छा खाने में फिर आप चिकन भी बनाएंगे, हाँ जी चिकन भी बनाएंगे, पर हम तो बकरे वाले हैं, ये पादरी की जबान है, मैं आपको बता रहा हूँ, विश्वासियों के घर पर बैठा हूँ मैं और विश्वासियों ने बताया कि हमारे पास्टर ने ऐसी बात, ये पादरियों की जबान है। उधर देखे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मंदिर का सेवका ही छोड़कर किधर किधर फिर रहा है, जंगलों में फिर रहा, ये होते प्रभु के दास, और प्रभु के दास प्रभु के नबी आपको ऐसे नहीं दिख जाते, पुराने नियम में नबी पहाड़ों पर रहते थे, गुफाओं में रहते थे, और जब यहोवा का संदेश मिलता था तब निकल कर आते थे सामने, तौबा करो, ये थे परमेश्वर के दास, ये थे परमेश्वर के नबी, भविष्यद्वक्ता क्या लेकर, पैसा लेकर भावी कहते हैं, भविष्यवाणियां नहीं है वो भविष्यवाणियां नहीं, इतने एक भैन बैठी जिन्हें पीला सूट पाया, इतने एक भरा बैठा जिदा लक दुखदा, ये भावी की आत्मा है। बताओ क्या जर्मिया ने ऐसा कहा, क्या नबियों में से किसी ने ऐसा बोला, ये लोग बोलते तुम पापी हो, तुम पाप किए हो, पश्चाताप करो, रिपेंट करो।